हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरिंजे की मस्ती। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्वे स्टाइल सैलेड। तो जो मैं आज बनाऊंगी, सब्वे में आपने सैलेड खाया होगा तो उसी स्टाइल में मैं आज सैलेड घर पे बनाऊंगी। घर पे आप बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। ये बाउल लिया हमने और इसके साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें सैलेड बनाने के लिए, फर्स्ट ये लेटस चाहिए और थोड़ी सी अनियन चाहिए, पनीर चाहिए। अगर आपको पनीर पसंद है तो पनीर ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। मैंने बेल पेपर्स लिए हुए हैं, रेड एंड येलो लिया हुआ है। नॉर्मल शिमला मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, जनरली सब्वे में नॉर्मल शिमला मिर्च यूज़ करते हैं, बट मेरे पास बेल पेपर थी तो इसलिए मैंने बेल पेपर ले लिया है। ये मैंने खीरा लिया है, ये सीडलेस खीरा है। ये मैंने वो मंगाया था बिकॉज सैलेड में ये वाला खीरा जाता है तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। और ये है हमारे बेबी टोमेटोज, तो ये मैंने बेबी टोमेटोज मंगाए हैं। आप नॉर्मल टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं, उनको थोड़ा छोटा छोटा कट करके और तब डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी आपको वेजिटेबल्स लगेंगी ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है वेजिटेबल्स में। और साथ में मैंने, आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं, अगर आपको ब्रोकली पसंद है तो ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न थोड़ा सा बॉयल किया हुआ है वो ले लिया है। और इसके बाद जो सॉसेज यूज़ होने वाली हैं, तो ये मैंने मिंट मेयोनीज मंगाई है, तो ये भी वीवा कंपनी की है मिंट मेयोनीज। और आप देख रहे हैं लेस देन 0.9 ग्राम एडेड शुगर पर सर्विंग, तो और इसमें फैट भी बहुत कम है। और जनरली यहाँ पे देखो 0.9 ग्राम एडेड शुगर पर सर्विंग है, दैट मीन्स कि इसमें फैट ऑटोमेटिकली बहुत कम है, लो फैट है। ये सारे जो जितने भी वीवा की सॉसेज होती हैं ये लो फैट होती हैं, और इसमें किसी में 98% फैट फ्री है, कोई 70% फैट फ्री है। तो ये मैंने वो वाली मेयोनीज मंगाई है वीवा की। और आपको इसकी मैं MRP भी बता देती हूँ, ये वीवा की मिंट मेयोनीज है और इसकी MRP है 175 रुपीज़। और इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आपकी कितने दिन चलेगी आपकी ये। और इन जो मेयोनीज की शेल्फ लाइफ है 7 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, तो ये हो गई मिंट मेयोनीज। और आप, ये न्यू पैक है, इसका मैं अनपैकिंग भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसकी अनपैकिंग कैसे होती है। पहले आप ये ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे आपको ये ऐसे ये निकालना है और ऐसे पकड़ के खींचना है। ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए कितनी ईजिली अनपैकिंग होगी इसकी। तो ये हमारी मिंट मेयोनीज की अनपैकिंग हो गई। और ये टॉप डाउन बॉटल है तो इसको हम ऐसे रखते हैं। तो ये हमारी मिंट मेयोनीज हो गई। और ये जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें वीवा की स्वीट अनियन सॉस यूज़ करने वाली हूँ। ये इसकी MRP है 149 रुपीज़। एक ये यूज़ करने वाली हूँ मैं। और थर्ड जो सॉस यूज़ करने वाली हूँ मैं, ये 1000 आइलैंड ड्रेसिंग्स है और इसकी MRP है 149 रुपीज़। सिमिलरली मैं ये यूज़ करने वाली हूँ वीवा की चिपोतले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग, ये भी ड्रेसिंग है और आप देख लें 1.1 ग्राम एडेड शुगर पर सर्विंग, लेस देन, तो इसमें बहुत कम शुगर ऐड की गई है। तो ये सारी फैट फ्री सॉसेस हैं इनकी। और ये जो है 169 MRP है, तो आप इसमें देख भी रहे होंगे इसमें 98% फैट फ्री लिखा हुआ है। सिमिलरली ये सारी भी फैट फ्री सॉसेस हैं। और जब भी हम सैलेड खाते हैं तो उसमें ऑलिव तो ज़रूर रहता है, तो इसके लिए मैंने ये मंगाए हैं ब्लैक ऑलिव, डेलमोंटे के मंगाए हैं ब्लैक ऑलिव। ये स्लाइस्ड ऑलिव्स हैं, एक पूरे ऑलिव भी आपको मिल जाएंगे, मैंने स्लाइस वाले मंगाए हैं। तो ये हमारे स्लाइस्ड और ब्लैक ऑलिव्स हो गए। और ये जो है 450 ग्राम ये पूरा जार है और इसकी जो ड्रेन क्वांटिटी 230 ग्राम की, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर भी है जो, और इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो उसको अगर ड्रेन करेंगे तो सिर्फ 230 ग्राम के ऑलिव्स निकलेंगे। और बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, 36 मंथ्स में, और जो सो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक की वैलिडिटी है इसकी, तो 3 साल तक ये चलेगा। लेकिन आप एक बार इसको वाटर को खोल देते हैं तो आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। तो इसको एक बार खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ब्लैक ऑलिव और ये है, ये मैंने मंगाया है अमेरिकन गार्डन का ग्रीन ऑलिव्स, ये भी स्लाइस्ड है। तो एक मैंने डेलमोंटे का मंगाया है, एक अमेरिकन गार्डन का मंगाया है, जस्ट टू चेक कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और इसकी MRP 225 MRP है इसकी, यहाँ पे MRP लिखी हुई है 225 रुपीज़। और ये बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर,
तो ये ऑलमोस्ट 1.5 साल तक की वैलिडिटी है इसकी ग्रीन ऑलिव्स की, तो ये भी बार खोल के देख लेते हैं। तो ये रहा, ये ग्रीन ऑलिव्स। तो ये हमारे हो गए सॉसेज जो रिक्वायर्ड है, ड्रेसिंग्स जो रिक्वायर्ड है, ऑलिव्स, वेजिटेबल्स। अब हम इसको एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे, लेटस डालेंगे। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और इसमें मैं लेटस डाल देती हूँ। ये आप अच्छे तरह से सारी सब्जियां हैं जो अच्छे से साफ कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे और फिर यूज करेंगे। तो ये मैंने लेटस डाल दिया, ये देखिए ये लेटस हो गया है अपना। अब इसके बाद मैं डालने वाली हूँ बेबी टोमेटोज। तो अब इसमें मैं बेबी टोमेटोज डाल देती हूँ। तो ये हमारे हो गए बेबी टोमेटोज। अब ये मैं डालूंगी थोड़े से बेल पेपर्स डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी मैं इसमें, थोड़े से डाल देती हूँ। तो ये मैंने बेल पेपर्स डाल दिए हैं। अब पनीर डालती हूँ थोड़ा, ये हो गया पनीर डाल दिया है। और अब इसमें मैं कुकुम्बर की स्लाइसेस डाल देती हूँ। तो ये हो गई हमारी कुकुम्बर की स्लाइसेस। अब प्याज डालूंगी मैं थोड़ी सी, जो अनियन होती है, तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से डालेंगे प्याज को। तो मैं थोड़ा सा इसको तोड़ लेती हूँ। अब ये हो गई, हमने प्याज डाल दी थोड़ी सी जितनी रिक्वायर्ड थी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से स्वीट कॉर्न। तो ये हमारे हो गए स्वीट कॉर्न। अब मैं डालूंगी ऑलिव, तो थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स डाल देती हूँ मैं। ये हमारे हो गए ग्रीन ऑलिव्स, थोड़े से और ले लेती हूँ। तो आपको जितने पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं आप ग्रीन ऑलिव्स। मुझे ऑलिव्स पसंद है तो मैंने डाल दिए इतने। अब मैं डालती हूँ थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। और इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, लाइक 3 ईयर्स और 18 मंथ्स। तो जल्दी खराब भी नहीं होने वाले हैं, बस टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है आप उसमें रखिए। जनरली फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उस पर रखते हैं इनको, तो आप फ्रिज में रखिए, इसलिए मैंने बड़ी बॉटल्स मंगा ली हैं। तो ये हो गए हमारे ऑलिव्स, राइट। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सॉसेज। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ स्वीट अनियन। तो आपने सब्वे भी खाया होगा, तो यही सारी सॉसेज सब्वे में भी डलती है, तो आप अपने टेस्ट अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा स्वीट अनियन का टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा सा होता है, और तो ये मैंने डाल दिया और ये मुझे पसंद आता है। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमारी है 1000 आइलैंड ड्रेसिंग्स, तो ये भी अनपैक नहीं की है मैंने। इसकी मैंने MRP आपको बताई थी 149 रुपीज़ है। इसको अनपैक कर देते हैं। ये हो गई हमारी, ये सारी फैट फ्री है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मेयोनीज खा रहे हैं। ये सारी ड्रेसिंग्स होती है और ये फैट फ्री होती है। ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट चिपोतले जो मैंने बताई थी, तो ये वीबा की काफी फेमस सॉस है। तो ये हो गई चिपोतले। अब ये हो गई हमारी मिंट मेयोनीज, इसमें तो ये हमने सॉसेस सारी थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका। वाओ, ये देखिए, अब मैं इसको खा के बताती हूँ आपको कैसा लगा। ये देखिए, सो यम। तो अब मैं थोड़ा सा खाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। तो ये लेते हैं, आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। टू यम, डिलीशियस, मजा आ गया। तो ओवरऑल ये है, आपको ये देखिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।